happier than ever, like I never thought forever was you. अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा सब खैरियत से होंगे। और स्कर्दू सीरीज़ फाइनली वाइंड अप हो चुकी है। रील्स भी बना दी मैंने, ब्लॉग्स भी बना दिए और उन सब की ब्लॉग को पकड़ के एक स्टोरी ही बना दी। तो अब कुछ कंटेंट नहीं है मेरे पास। तो फाइनली इस वीडियो का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और उसके बाद आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, भरोसा रखा मुझ पे। तो ये भरोसा बरकरार रखिएगा इंशाल्लाह। अब बैक ऑन ट्रैक, बहुत अच्छा ब्रेक हो गया और अब बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को पसंद आएंगी। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है और कह सकते हैं एक लेसन भी होगा। क्या पता आप लोग इस वीडियो के बाद आप में से कोई भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, और अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। तो इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, वॉच दिस। लोगों ने कहा एक्टर नहीं बनो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। वेल इट काइंड ऑफ इज, बट मेरे दिल ने कहा, मेरा दिल किया, सो हियर आई एम। बहुत लोगों ने बोला कि बिजनेस कर लो, बीबीए कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, बट मेरा दिल किया कि मैं आर्किटेक्ट बनूं एंड हियर आई एम। भाई फैमिली कहती थी मैं उनका साइड बिजनेस संभाल लूं या तो जॉब कर लूं, मगर नहीं बॉस, जैसे खुदा एक है वैसे हमारी जिंदगी भी एक। तो मैं ट्रैवल करूंगा, ट्रैवल फिल्म मेकर बनूंगा, आप लोगों को अच्छा कंटेंट दिखाऊंगा। सो हियर आई एम, अपने दिल की आवाज़ सुनते और अपनी फैमिली को प्रूव करने। अल्लाह हम सब के दिलों की ख्वाहिशात पर टिक लगाए। लोगों ने बोला कि क्या रखा है यार म्यूजिक में, कुछ और ढूंढो अपने लिए, पर मेरा दिल किया कि मैं रैप करूं। सो हियर आई एम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल ही मेरा टीएचए में स्नैच हो गया फोन। भाई बहुत से लोगों ने मुझे बोला इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन हियर आई एम, सुशी शेफ इन जापान। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि एक्टिंग में क्या रखा है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल किया, सो हियर आई एम। तो ये थी लोई कहानी। अब मैं अपनी सुनाता हूँ। तो सीन कुछ यूँ था कि ओ लेवल्स करने के बाद मैंने इंटर किया, और इंटर में मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, और मेरे अब्बू एक पीएचडी डॉक्टर हैं और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आगे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करूँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाऊँ, एक इंजीनियर बनूँ। तो मुझे आज भी वो याद है वो रात जब मैं पूछ रहा था अपने अब्बू से कि अब्बू मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और अब्बू कह रहे थे कि नहीं तुमने बस इंजीनियरिंग करनी है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। एनईडी में तुम्हारा फॉर्म फिल वगैरह सब कुछ हो चुका है और तुमने कल जाना है और जाके पेपर देना है। अब मैं बैठ के सोचूं यार कि ना मेरा दिल है इंजीनियरिंग करने का, ना यहाँ कोई स्कोप है इंजीनियरिंग का। मेरे अपने दोस्त जो थे वो रुल रहे थे बीइंग एन इंजीनियर। मैंने बोला इसका एक ही हल है। अब अगले दिन मेरा टेस्ट था और मैं सेंटर पहुंच गया, मैं बैठा हूँ पेपर देने के लिए, और जब पेपर आया तो वो 3 घंटे का था और आपका भाई विदिन 15 मिनट्स बाहर। मैंने सारे ए टिक 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 कर दिए। अब जब मैं बाहर आया तो रिज़ल्ट ऐसा होता था कि जैसे ही पेपर ख़त्म होगा उसके 1-2 घंटे बाद रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अब मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है, सारे ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते थे। तो थोड़ी देर में रिज़ल्ट आ गया, जब मैं बाहर आया पेपर ख़त्म हुआ और रिज़ल्ट जब मेरे सामने आया तो अब्बू चेक कर रहे, उन्होंने कहा तुम तो फेल हो गए। अब मैं बोला यार अब्बू देखे मैंने कितनी मेहनत की थी और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी देखे नहीं हो पाया। तो अब्बू समझ गए थे। अब्बू घर आए तो फिर मैंने उनको समझाया, बताया उनको कि मैंने ये किया और इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल चाहता है। मैं थोड़ा आर्ट से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मैं वो साइड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैंने कहा अब्बू मुझे आर्ट में जाना है, अब्बू के उसमें कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, हर एरा गरा ये कर रहा है, तुमने भी ये करना है, ये वो। जाहिर सी बात है उन्होंने इतनी स्टडीज़ की हुई हैं, उनके जो ग्रुप है वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है बड़ा काफ़ी, तो उसमें ये बात थोड़ी और उनको शायद लगी। लेकिन मैंने उनको फिर सही से समझाया कि देखिए मैं उस चीज़ में खुश रहूँगा, पैसा हो ना हो वो सेकेंडरी है, मैं उस चीज़ में खुश रहूँगा। खैर कर कर आके अब्बू मान गए। बैचलर्स करने के बाद मैं आर्ट साइड पे गया, मैंने स्किल्स भी सीखी, मैंने गिटार प्ले करना सीखा, फिर फिल्मिंग साइड की तरफ गया मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं आई गेस आई एम मेड फॉर फिल्मिंग स्टफ़, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं काफ़ी चीज़ों में घुसता चला गया। और ताकि अब मुझे पता चला कि नहीं यार दिस इज़ द प्लेस आई रियली वॉन्टेड टू बी ओवर हेयर काफ़ी टाइम पहले। यहाँ मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मैं खुश भी हूँ। एक असूल है अपनी लाइफ का, ये याद रखिएगा, इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है, हर चीज़ से झूठ बोल सकता है, हर शख्स से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तो अपने आप को उठ के सुबह जब आप उठे ना काम पे जाने के लिए, आप कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप सुबह जब काम पे जाने के लिए उठें तो शीशे में देख के अपने आप को एक दफ़ा पूछें क्या मैं खुश हूँ इस चीज़ से। और अगर जवाब आए ना, तो मेरे भाई वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें दुनिया में, करने के लिए, आप कुछ भी करें जो आपका दिल करे। खैर बातें बहुत हो गई हैं और भूख भी बहुत लग रही है, तो कुछ खाने चलते हैं। अच्छा भाई, तो ये है मेरा हाजी अहमद का मशहूर बन कबाब जो मैं अभी लेकर आया हूँ अंदर। वहाँ काफ़ी रश था, बैठने की जगह भी नहीं थी, खड़े होके सब स्टॉल पे ही खा रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं यार गाड़ी में बैठ के प्रॉपर खाते हैं। ये आपको मिलेगा बर्न्स रोड पे, मेन बर्न्स रोड पे, फ्रेस्को के बिल्कुल सामने एक छोटी सी पतली सी गली है, उसके अंदर उन्होंने ठेला वगैरह लगाया हुआ है अपना। और ये बन कबाब कराची का सबसे पुराना और सबसे पहला बन कबाब है, और इसका स्टाइल भी वैसे ही बड़ा यूनिक सा है। ये लास्ट टाइम मैंने जो पाकिस्तान चौक पे खाया था वो भी ऐसे ही था कि वो बन कबाब जो है प्रॉपर जैसे हम आजकल मार्केट में खाते हैं वैसे प्रॉपर नहीं मिलता। बन दोनों अलग होते हैं, साथ में कबाब रखा हुआ है, थोड़ा प्याज रखा हुआ है और थोड़ी सी चटनी डाली है। प्रेजेंटेशन वैसे मुझे इतनी कोई अपीलिंग नहीं लगी, जो पाकिस्तान चौक पे मैंने खाया था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब टेस्ट देखते हैं और उसका टेस्ट कैसा है। ये आ गया मेरा बन जो कि तवे पे सेका हुआ था इन्होंने, थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा प्याज। उसी तरीके से खाना जिस तरह खाया जाता है। वाह, कोई केचप नहीं, कोई मायोनीज़ नहीं, कोई ओवरलोडेड चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। 70 रुपये का ये बन कबाब है। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि ये आगे सदर लगता है, ये मेन बर्न्स रोड है, बिजीएस्ट प्लेस। मुझे यहाँ पे आते आते तकरीबन 1 घंटा लग गया। गाड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मुझे व्लॉग करना था तो मुझे गाड़ी लेके आनी पड़ी। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सस्ते खाने की तरफ जाते हैं, स्ट्रीट फूड की तरफ। और आप कहीं भी किसी बड़े रेस्टोरेंट बैठे खा लें खाना, जो मतलब स्ट्रीट फूड का है ना यार, वो कहीं नहीं है। और ऊपर से बन कबाब वो आपके पास, जो कि 1952 से हो, सबसे पुराना बन कबाब, क्या ही बात है। तो ये था आज का ब्लॉग। मैं अपना बन कबाब थोड़ा एंजॉय करके खाऊंगा, जल्दी से नहीं खाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत कम आना होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन, दिस इज़ नवीद।